बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे थे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, एंड आर टॉपिक फॉर टुडेज इज सेल्स फॉर्म टिश्यूज। हमारा आज का टॉपिक क्या है कि सेल्स फॉर्म टिश्यूज, सेल क्या करते हैं, सेल मिलके टिश्यूज बनाते हैं इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्या मैनी ऐसे सेल जो मैनी सेल्स पर कंसिस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स से मिलके बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल वर्क इन ग्रुप्स, सेल ग्रुप्स में वर्क करते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल जो एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन टिश्यू, तो उसका आंसर क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ सेल यहाँ से लेके परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज कॉल्ड द टिश्यू। अब जैसे है कि अब साइंस की क्लास हो रही है, अब पूरे स्टूडेंट्स जितने भी 25 हैं 35 हैं, सारे स्टूडेंट्स मिलके एक टाइम में सिर्फ साइंस की क्लास ही ले रहे होते हैं, साइंस की क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, या अगर आपको क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, कोई काम लिखने को दे देते, तो सारे स्टूडेंट्स मिलके एक ही काम लिख रहे होते हैं जो टीचर आपको दे रहा होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि सारे। इसी तरह से सेल की एक एग्जांपल हम लेते हैं, टिश्यूज़ की एग्जांपल, कि सेल्स मिलके एक ही काम परफॉर्म कर रहे हैं, एक टाइम में एक ही काम परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट टिश्यूज इन देयर बॉडीज। प्लांट्स और एनिमल्स के जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट टिश्यूज, उनकी बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज होती हैं। सम प्लांट्स टिश्यूज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सम प्लांट टिश्यू है, इसके बाद सम एनिमल टिश्यूज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फॉलोइंग आर सम प्लांट टिश्यूज, जिसमें फर्स्ट पे है एपिडर्मल टिश्यूज। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि एपिडर्मल क्या है, एपिडर्मल टिश्यूज कवर द रूट्स स्टेम एंड लीव्स ऑफ अ प्लांट। एपिडर्मल टिश्यूज क्या है, जो रूट्स को, जो स्टेम्स को और जो लीव्स को कवर करता है। अब ये हमें जाइलम टिश्यू, ये हमें सेल कुछ प्लांट टिश्यूज नज़र आ रहे हैं, जिसमें हमें एपिडर्मल टिश्यू नज़र आ रही है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको हम एपिडर्मल टिश्यू कहते हैं। उसके बाद है हमारा जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यूज कंडक्ट वाटर। जाइलम टिश्यूज क्या करते हैं, वाटर कंडक्ट करते हैं, पानी को रूट्स से, सॉयल से रूट्स के थ्रू लेके जाते हैं एरियल पार्ट्स में। इस डायग्राम में हमें जाइलम टिश्यूज नज़र आ रहे हैं, ये येलो कलर के, ये जाइलम टिश्यू हैं, जिनका काम क्या है कि इन्होंने वाटर को कंडक्ट करना है, सॉयल से वाटर को एब्जॉर्ब करके एरियल पार्ट्स में लेके जाना है। और ये फ्लोएम टिश्यूज नज़र आ रहे हैं, ये फ्लोएम टिश्यूज का क्या काम होता है कि इन्होंने फूड को कंडक्ट करना है। जाइलम टिश्यूज ने क्या करना है, वाटर को कंडक्ट करना है, और फ्लोएम टिश्यूज ने क्या करना है, फूड को कंडक्ट करके बाकी पार्ट्स में लेके जाना है। फूड हमें पता है लीव्स में बनती है, तो लीव्स से फूड को बाकी पार्ट्स में लेके जाना है। एंड डिजॉल्व सॉल्ट्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। जाइलम टिश्यू क्या करते हैं, कंडक्ट वाटर एंड डिजॉल्व सॉल्ट्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। नेक्स्ट है फ्लोएम टिश्यूज। फ्लोएम टिश्यूज अभी मैंने बताया क्या करते हैं, ये इट कैरीज प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स, लीव्स से प्रिपेयर्ड फूड लेके जाते हैं अदर पार्ट्स तक, प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक। नेक्स्ट है मेसोफिल टिश्यूज। मेसोफिल टिश्यूज प्रेजेंट इन लीव्स। मेसोफिल टिश्यू लीव्स में प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं, ये फूड बनाते हैं फॉर द प्लांट। मेसोफिल टिश्यूज प्रेजेंट इन लीव्स एंड मेक फूड फॉर द प्लांट। ये फोर जो टिश्यूज थे, ये प्लांट्स के टिश्यू है, जो मेजर टिश्यूज हमने डिस्कस किए हैं। हमारी होम असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट में हमने क्या करना है, डिफाइन टिश्यूज, ये क्वेश्चन लर्न करना है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एपिडर्मल टिश्यूज, जाइलम टिश्यूज, फ्लोएम टिश्यूज एंड मेसोफिल टिश्यूज। ये फोर जो टिश्यूज हैं ये प्लांट्स के, ये हमने लर्न करनी है, और पूरे पूरे आपने लर्न करने, इसमें कोई शॉर्ट करने वाली चीज़ नहीं है। तो एपिडर्मल टिश्यू जितने 3 लाइंस हैं, ये 4 लाइंस हैं, जितनी भी लाइंस हैं वो आपने लर्न करनी है सारी। इसी तरह से जाइलम टिश्यूज का फुल लर्न करना है आपने, इसी तरह से फ्लोएम का एंड मेसोफिल टिश्यूज का। ये था हमारा आज का लेक्चर, लेक्चर को ध्यान से सुनें, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह ब्लेस यू ऑल।